इंदौर के धार रोड पर रहने वाले एक 4 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। रात करीब 2 बजे बच्चे की चीख सुनकर माता पिता की नींद खुली तो देखा सांप का डंक उसके पैर पर था। माता पिता उसे एम्बुलेंस से MY अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना गलोड़ा ग्राम की है जहां के रहने वाले विधान एसकिया की सांप डसने से मौत हो गई। परिवार में चाचा सुनील ने बताया कि रात में विधान अपने माता पिता के पास सो रहा था और वो अचानक गहरी नींद से चीखा। माता पिता की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि विधान के पैर पर सांप के डसने के निशान थे। बच्चे को तुरंत MY अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं चाचा सुनील के मुताबिक विधान की 1 साल की बड़ी बहन है, वहीं 1 साल की छोटी बहन भी है। 2 बहनों में विधान इकलौता बेटा था। विधान के पिता मकान निर्माण का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि रात में दोनों बहनें भी पास में ही सो रही थी। वहीं बड़ी कलमेर स्थित नर्मदा और गंभीर नदी के संगम पर सफाई कर्मी का काम करने वाले अर्जुन पुत्र चंदूलाल निवासी बड़ोदिया को रात में करीब 2 बजे के लगभग नदी से लगे उसके घर में कोबरा सांप ने डस लिया। अर्जुन ने हाथ पर सांप के काटने का निशान देखा जिसके बाद उसने सांप को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान कोबरा ने 2 बार फिर से हमला कर दिया जिसके चलते अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में इंदौर जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के मुताबिक बारिश में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है। उन्होंने बताया कि 4 तरह के सांप जहर वाले होते हैं जिनमें के कोबरा, वाइपर और रसेल वाइपर शामिल हैं। ये चारों नस्लें शहरों के आसपास मिलती हैं। उन्होंने बताया कि सेंट बोआ रेड स्नेक जहरीले नहीं होते तो वहीं विरोध करने पर दांत काट देते हैं। अधिकतर लोग घबराहट के कारण अपनी जान दे देते हैं। बारिश में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सांप काटने पर भागना नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं करना चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए और शरीर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में किसी ओझा या फिर किसी तरह के तांत्रिक के पास न जाकर सीधे डॉक्टर के पास जाकर उपचार करवाना चाहिए। वहीं सांप के काटने वाली जगह पर कट भी नहीं लगाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।